जाता है तो वो एक जीवन का हिस्सा है। तो 2012 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था और मेरे को इंजरी होगी हाथ की, और इतनी इंजरी होगी कि मैं एक गिलास भी नहीं उठा पा रहा था, ऐसे हाथ कांप रहा था, और मैं कुश्ती हार गया एशिया चैंपियनशिप में, क्वालिफाई नहीं हो रहा था, और सब लोग ये बोले कि सुशील का मेडल नहीं आएगा, और मेरे को ये लग रहा था कि नहीं मैं नज़दीक हूँ। मैं अभी ये सक्षम भाई बैठा था उधर, तो मैं यही चीज़ कह रहा था, जो मतलब की बात है वो दिमाग में रखो और पास कर दिया करो, दो कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो आप लोग भी मतलब की बात को दिमाग में रखो और चलता रहेगा जीवन में जो चल रहा है। तो 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए मेरे से क्वालिफाई नहीं हो रहा था, और लास्ट दो क्वालिफाई बचे हुए थे। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, जी क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि जो हमारे ये टीचर बैठे हैं ना, ये हमारे लिए भगवान है, इन्होंने जीवन देखा है, हर चीज़ देखी है, हर स्थिति से ये निकले हैं, तो जो इनका एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस जो है वो ज़बरदस्त होता है। मैं अभी कुंजो मैम से भी यही कह रहा था कि जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, तो उनका एक्सपीरियंस मिला। वो बोले कि एक महीना बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी, अपनी ट्रेनिंग में लग जाते। उसके बाद सर हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया, फर्स्ट आगे क्वालिफाई किया, और फिर वही बात हुई कि लोगों ने बोल दिया कि लास्ट में आगे क्वालिफाई हुआ है कि मेडल नहीं आएगा, मगर क्वालिफाई हो गया, एक संतुष्टि वो थी। दूसरी, मेरे को फ्लैग बेलर बना दिया, पूरी इंडिया टीम का कैप्टन बना दिया सब, जिसमें सब लोग थे, मेरी बहन थी, विजेंद्र था, अभिनव थे, सब लोग थे, हम साथी हैं, सब लोग, सबने साथ में मेडल जीते, और मेरे को कैप्टन बना दिया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ यार, देश का सब लोग खुश होंगे, आप लोगों को भी कोई नेतृत्व किसी चीज़ का मिले तो आप लोग भी खुश हो गए। और वो दिन आ गया कि हमें मार्क पास के लिए तैयारी में सब लोग थे, पूरी टीम थी हमारी। एक जिस तरीके से ये मीडिया वाले भाई है ना, उनमें से एक बड़ा जबरदस्त पुराने रिपोर्टर है, वो बड़ा प्यार करते हैं मेरे को। वो मेरे से बोले कि यार सुशील, तू क्यों कैप्टन बन गया? मैं अंकल, बड़ी मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है, मैं देश का झंडा लेके चलूंगा। तो वो बोले कि जिसने भी झंडा पकड़ा है ना, वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाया मेडल। तो खिलाड़ी जो है ना, बड़ा सोचता है इन चीज़ों को। फिर मेरा जिस दिन ओपनिंग थी, उसके बिल्कुल लास्ट दिन मैच था, और वो 15 दिन मैं समझ सकता हूँ मैंने कैसे काटे हैं। मेहनत करता, ट्रेनिंग करता, लेटते ही सोचता रहे, यार अंकल ने बोला था जिसने फ्लैग पकड़ा है ना, वो मेडल नहीं जीत पाता। और बड़ा मालिक का बड़ा आशीर्वाद रहा, गुरुओं का बड़ा आशीर्वाद रहा, माता पिता का बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत प्यार पूरे देश से मिला, और हमने मेडल रिपीट किया, ब्राउन से सिल्वर किया। और फिर मैं अंकल को ढूंढ रहा था कि अंकल ये बात मेरे को तो बोल दी और किसी को मत बोला, क्या पता झेल पाए या नहीं झेल पाए। तो वही चीज मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि जीवन में हार जीत संघर्ष चलता रहेगा, मगर कभी हारना दिमाग में नहीं लेनी है ये चीजें। आप तो देश के वो मटेरियल हो कि देश को बहुत आगे तक आपको लेके जाना है। और पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो प्यार सम्मान आप लोगों ने मुझे यहाँ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी दुआएं लेना चाहूंगा, और जितने भी बड़े यहाँ बैठे हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि ब्रॉन्ज मेडल हो गया है, सिल्वर हो गया है, एक चीज बची हुई है, उसके लिए आप दुआएं दें, आशीर्वाद दें कि देश के लिए फिर वो काम हम कर पाए, कि देश के लिए हम मेडल जीत पाए। पुनः आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार, और आप लोग बहुत मेहनती लोग हो और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूंगा कि आप अपने जीवन में हर वो चीज अचीव करें जो आप लेना चाहते हैं, और उसके लिए मेरे जो गुरुजी हैं वो एक ही चीज कहते हैं कि तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या जो जितनी करेगा उतनी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।